वो कहते हैं ना कि सोशल मीडिया की दुनिया जो होती है वो चकाचौंध होती है, जगमगाती हुई होती है, और इसकी लत लोगों को ऐसी लग जाती है कि वो लोग आम जीवन को भूल जाते हैं। खाना पीना, रहना, कैसे क्या कुछ करना है अपने आम जीवन में, रियल लाइफ को छोड़कर अपनी रियल लाइफ को ही जो है वो भूलते चले जाते हैं। और मैं क्या कहने चाह रही हूँ और क्या कहने के लिए आई हूँ और मैंने ये वीडियो क्यों बनाया है, आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिएगा, तब जाकर आप लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअली जो है मैं क्या कहना चाह रही हूँ और क्यों कहना चाह रही हूँ। तो नमस्कार YouTube फैमिली, मैं रीति महाराज स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। कैसे हो आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जैसा कि सोशल मीडिया पर अभी आप लोगों ने देखा ही होगा कि तमाम बड़े बड़े यूट्यूबरों को मैं देख रही हूँ कि कॉन्ट्रोवर्सी कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। एक यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर से झगड़ा कर रहा है, मतलब कि लड़ाई झगड़ा कर रहा है मात्र चंद व्यूज के लिए। कोई पति पत्नी आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहा है मात्र चंद व्यूज के लिए। किसी का चैनल डिलीट हो रहा है मात्र चंद व्यूज के लिए। मैं क्या कहना चाह रही हूँ और क्यों कहना चाह रही हूँ, आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। और वीडियो को देखने के बाद हम चाहते हैं कि आप लोग अपने कमेंट जो है ज़रूर करें। तो मैं बातों को नहीं घुमाऊंगी, और कहते हैं ना कि चोर के दाढ़ी में तिनका, तो ना घुमाते हुए मैं अपनी बातों को शुरू करती हूँ। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, मैंने कल वीडियो बनाया था गोरखपुरिया के ऊपर, आप लोग भी जानते हो वही गोरखपुरिया भौजी जो गोरखपुर की मशहूर कलाकार हैं, यूट्यूब बड़े बड़े यूट्यूबरों के साथ घूमती फिरती, मतलब बड़ी यूट्यूबर हैं भाई, शॉर्ट में ये बोलूँगी मैं। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि कैसे उन दोनों, मतलब उनके पति और उनके साथ जो है वो काफ़ी कुछ हुआ, लड़ाई झगड़े हुए, और इसी बीच वो जो है हॉस्पिटल में भी एडमिट हो जाती हैं। अब ये नाटक कर रही हैं या फिर सचमुच में ऐसा कुछ हुआ है, क्या कुछ हुआ है आपको मैं एक एक करके बताऊंगी। और बहुत सारे लोगों को मैं देख रही हूँ कि वीडियो बना रहे हैं कि गोरखपुरिया ने नाटक किया, अपने पति के साथ लड़ाई की, लड़ाई करने के बाद जो है वो इसी बीच राधा राज, आप लोग राधा राज को भी जानते होंगे, जिनका कि चैनल अभी कुछ दिन पहले जो है वो डिलीट कर दिया गया। अब ये षड्यंत्र किसकी थी ये तो वही जाने, लेकिन अभी अभी राधा राज का मैंने वीडियो देखा, मतलब वीडियो मैं कई दिनों से देख रही थी, और मैं उनका हैशटैग इस्तेमाल करती हूँ जब उनके लिए वीडियो बनाती हूँ, और बहुत पहले मैंने उनके लिए वीडियो बनाया था, लेकिन इसी बीच मुझे मालूम चला यूट्यूब के माध्यम से ही कि उनका चैनल डिलीट कर दिया गया, और इसका इल्ज़ाम लगाया जा रहा है गोरखपुरिया पर। वही गोरखपुरिया जो अभी अपने पति के साथ काफ़ी जो है लड़ाइयाँ झगड़े आप लोगों ने देखा ही होगा उनकी चल रही है, और वो अस्पताल में भर्ती हो जाती हैं, और इसका सारा इल्ज़ाम जो राधा राज के चैनल का डिलीट होने का जो साजिश है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ये लगा रहे हैं गोरखपुरिया पर कि गोरखपुरिया ने जानबूझकर ये सारी चीज़ें की, और अब जाकर वो अस्पताल में एडमिट हो गई है। तो शर्म आती है मुझे आप लोगों पर, जब तक ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती, राधा राज जिनका चैनल डिलीट हुआ है, मैंने कल उनकी एक वीडियो देखी और उन्होंने अपनी वीडियो में ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं की है, तो भाई आप लोग जो गोरखपुरिया को बदनाम कर रहे हैं, इनके पीछे कौन है ये तो समय आने पर पता चलेगा, सही चीज़ें हमें राधा राज के माध्यम से ही मिलेगी। तो ये सारी अफवाहें आप लोग फैला रहे हो, मुझे शर्म, मतलब क्या बोलूँ, आप लोगों को शर्म आती है या नहीं आती है किसी का भी नाम सोशल मीडिया पर बदनाम कर देना। और बहुत सारे लोगों को मैं देख रही थी जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए थे, मतलब कि राधा राज से जुड़े हुए थे, बहुत सारे उनके उनका तीन तीन चैनल देखा हम लोगों ने, जैसा कि राधा राज ने अपनी वीडियो में बताया, और पहले भी हम लोगों ने उनकी वीडियो देखी है, कभी वो मतलब कंट्रोवर्सी नहीं करती, जो सही चीज़ें होती हैं उनको वो दिखाती थी, मतलब अपनी ब्लॉगिंग वगैरह वो उस चैनल पे दिखाती थी जो चैनल उनका डिलीट हुआ है। तो ये सारा इल्ज़ाम जब तक राधा राज जो है वो गोरखपुरिया पर नहीं लगाती, तो हम उन यूट्यूबरों से पूछना चाहते हैं जो लोग ये सारी चीज़ें अफवाहें फैला रहे हैं, भाई आप लोग किस दिशा में जा रहे हो, क्यों झूठी सच्ची अफवाहें फैलाई जा रही है, झूठा झूठा थंबनेल लगाया जा रहा है, और वीडियो में बोला जा रहा है कि गोरखपुरिया ने सारा चीज़ जो है वो जानबूझकर किया ताकि ब्लेम उन पर ना लगे, राधा राज उन पर आरोप ना लगाए। तो भाई राधा राज ने तो अभी तक कुछ चीज़ क्लियर ही नहीं किया, अपनी वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं बोला उन्होंने, ना ही टारगेट किया कि हाँ गोरखपुरिया, ना ही इशारा किया, कुछ भी नहीं किया अपनी वीडियो में कि किसने मेरा चैनल डिलीट करवाया नहीं करवाया। तो जब तक राधा राज की तरफ से ये सारी चीज़ें नहीं आती, तो आप लोग कहते हैं ना कि हवा में तीर चलाना, हवा में क्यों तीर चला रहे हो और क्यों किसी को बदनाम कर रहे हो। वैसा नहीं है कि मैं गोरखपुरिया की पक्षकार हूँ, जी नहीं, मुझे जो सोशल मीडिया पे दिखेगा मैं उस पर बोलने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हूँ, और इसलिए मैं अपनी बातों को यहाँ पर रखने आई हूँ। तो जब तक राधा राज जो है वो क्लियर नहीं करती कि उनका चैनल किसके द्वारा डिलीट करवाया गया, क्या कुछ हुआ, उनसे ज़्यादा हम और आप जो
छोटे छोटे यूट्यूबर हैं और बहुत सारे मैं यूट्यूबरों को देख रही हूँ कि, और राधा जी मैं आपसे तो एक बात और कहना चाहूँगी कि जो आपकी उपलब्धियों में आपके साथ खड़े रहते थे, आज वो चंद लोग आपके साथ नज़र नहीं आ रहे हैं। जब आपने यूट्यूब पर बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था तो ये सारे लोग आपके इर्द गिर्द घूमते रहते थे, राधा दीदी राधा दीदी राधा दीदी करके। जब राधा दीदी पर दुखों का पहाड़ टूटा तो ये सारे बड़े बड़े यूट्यूबर कहीं आपके पास या फिर कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं, ना ही एक वीडियो नज़र आई उन लोगों की। और जैसे ही छोटे यूट्यूबरों ने, क्योंकि हम लोग तो भाई अभी शुरुआत ही किया है, और जब छोटे यूट्यूबरों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया कि राधा राज का चैनल डिलीट हुआ, हम उनके साथ हैं, तो ये लोग भी तमाम बड़े बड़े यूट्यूबर जो मात्र सिर्फ यूट्यूबर हैं, इनके अंदर इंसानियत है ही नहीं, ये किसी के सुख दुख में साथ खड़े रह ही नहीं सकते, ये लोग फिर तुरंत धड़ाधड़ वीडियो बनाने लगे। तो भाई हम आप तमाम यूट्यूबरों से ये पूछना चाहते हैं, जो अभी आप लोग राधा राज के लिए वीडियो बना रहे हो, आप लोग उस वक्त कहाँ थे जब राधा राज का चैनल डिलीट हुआ था? और जैसे ही राधा राज ने वीडियो अपलोड किया एक नए अपने चैनल पे, और जैसे ही बताया कि मेरे साथ क्या कुछ हुआ, कैसे मेरा चैनल डिलीट हुआ क्या, तो तुरंत बड़े बड़े यूट्यूबरों को मैं देख रही हूँ कि उनके सपोर्ट में खड़े आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी राधा राज से कि राधा जी आप अपने दिमाग को खोलो और ये इन तमाम दोगले लोगों से जिनका दोहरा चरित्र है, जो आपके साथ खड़े रह कर राधा दीदी करते हों और आपके पीठ के पीछे पता नहीं ये लोग क्या करते होंगे, तो आप दिमाग का इस्तेमाल करिए। हालांकि आपकी वीडियो बहुत अच्छी रहती थी, हम लोग भी देखे हैं, पुरानी वीडियो आप लोगों के सामने आती है तो देखते हैं। और जब तक, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से ये भी कहूंगी कि जब तक राधा राज अपने तरफ से किसी का नाम नहीं लेती, तो ये तमाम लोग जो हैं वो किसी को टारगेट करना या फिर किसी का नाम लेना, और भाई देखिए हम निष्पक्ष रूप से अपनी बातों को रखते हैं, और अगर इसमें किसी का भी नाम आता है, अगर राधा राज जो है वो क्लियर करती हैं सारी चीज़ों को कि हाँ इन्होंने मेरा चैनल डिलीट करवाया, तो भाई हम उनके खिलाफ भी बोलेंगे, ऐसा नहीं है। अगर हम किसी को पसंद करते हैं तो नापसंद भी कर सकते हैं, अगर हम किसी के साथ सही में खड़े हैं, मतलब सच्चाई के साथ खड़े हैं, तो उनकी गलतियों का भी एहसास दिलवाना हम लोगों का फर्ज बनता है। लेकिन बेवजह किसी का नाम लेकर किसी का नाम बदनाम करना, किसी को घसीटना, ये तो सचमुच आप लोगों से ही सीखना पड़ेगा हम छोटे यूट्यूबरों को, कि आप लोग कैसे कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हो, एक दूसरे को लड़वाने का प्रयास करते हो और खुद बच निकलते हो। क्योंकि चैनल डिलीट कराने की प्रक्रिया जो है वो, यही कहेंगे हम राधा राज से कि देखिए यहाँ पर कोई जो है इंसान है ना, नहीं चाहता कि वो आप जो हैं उनसे आगे बढ़ो। आपके फैन फॉलोवर्स बहुत थे, हम लोगों ने भी देखा है, और आपकी पुरानी वीडियो हम लोग देखे, एक वीडियो मैंने आपका शॉर्ट्स देखा था जो इस गाने पे था, ना ही घूमेवा जातानी नैहर, ये गाना था, मैंने आपका वो डांस वाला वीडियो देखा था, उस वक्त से मैं आपके उस चैनल को देख रही थी और आपका वो डांस मुझे बहुत पसंद आया था, जिसमें मालती चौहान भी थी और आप थी और एक और पता नहीं दो तीन, मतलब आप लोगों का कहीं पर कोई फंक्शन था, उसमें आपने इस गाने पर जो है वो एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, उस वक्त से मैं आपकी वीडियो को देख रही थी। लेकिन अभी देख रही हूँ कि भाई ये क्या हो गया अचानक से, तो हम आपको यही एक सजेशन देंगे कि आप दोगले लोगों से दूर रहें और लोगों को पहचानिए। जब लोग आपके चैनल डिलीट होने पर आपके साथ खड़े नहीं रहे, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर जो आपका नाम इस्तेमाल करते थे, जो आपके साथ रहकर कहीं ना कहीं अपना ग्रोथ कर रहे थे, अपना मुकाम हासिल करने के लिए वो आपके साथ खड़े थे, आज उन तमाम लोगों को मैं आपके सामने ना खड़ा देखती हूँ, ना आपके सपोर्ट में देखती हूँ। और जैसे ही छोटे छोटे यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं, कुछ 4-5 चैनल हैं ऐसे मैंने देखा है, उन लोगों ने वीडियो बनाया, वैसे ही ये धड़ाधड़ बड़े बड़े यूट्यूबर जो हैं लाखों मिलियन के जिनके सब्सक्राइबर हैं, वो लोग आपके सपोर्ट में आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी ये लोग क्या कर रहे हैं, ये आपके नाम पर अपना व्यूज कमा रहे हैं, अपने मतलब फायदे में, अपना फायदा देख, ना कि वो आपके सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं। तो इन लोगों का चेहरा आपको पहचानने की जरूरत है, और मैं तो बस यही कहूँगी कि इन लोगों से अब आप धीरे धीरे दूरी बना लीजिए, क्योंकि ये लोग जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। और मैं यहाँ किसी का नाम नहीं ले रही, और किसी का नाम भी बदनाम यही लोग करते हैं, ये आपके मुंह पर आकर राधा दीदी करेंगे और कहीं और जाकर फलना फलना फलाने फलाने का नाम लेकर मतलब उनकी वाहवाही करेंगे। तो ऐसे लोग किसी के हो नहीं सकते, किसी एक पक्ष के नहीं हो सकते। और अभी मैं देख रही हूँ कि गोरखपुरिया का नाम इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, कि गोरखपुरिया ने जानबूझकर अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई झगड़ा किया और हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गई, और उसके बाद जो है राधा राज का चैनल भी उसने ही डिलीट किया है।
तो भाई जब तक ये राधाराज जी क्लियर नहीं करती तब तक आप लोग कैसे जान जाते हो। राधाराज ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा कल की वीडियो में कि मुझे मालूम है किसने चैनल डिलीट करवाया, क्या कुछ करवाया। तो आप लोग ख्याली पुलाव पकाना जो है वो बंद करिए, और कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। और हवा में तीर चलाना ये तो बिल्कुल भी आप लोग बंद कर दीजिए, क्योंकि झूठी अफवाहों से हम लोग भी गुमराह होते हैं। आप लोग झूठी झूठे थंबनेल लगा देते हो, झूठी झूठी बातें सोशल मीडिया पर रख देते हो, तो हम लोगों को भी प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई विश्वास करना, और विश्वास करना बहुत बड़ी चीज़ है। हम विश्वास करके यूट्यूब से जुड़े हुए हैं और कुछ वैसे लोगों से भी जुड़े हुए हैं, और पता चलता है कि नहीं, आप लोगों ने जो किया वो सब बाद में जाकर पता चलता है कि ये सारा ड्रामा था। तो आप ये कहते हो कि हम जला रहे थे, बहुत सारे लोगों का वीडियो मैंने देखा है कि बहुत सारे जो है वो व्यूज के लिए लड़ाई झगड़े करते हैं और बाद में आकर कहते हैं हम जला रहे थे। तो भाई आप जला किसके किसको रहे थे? मात्र दो चार लोग जो आपके इर्द गिर्द घूमते होंगे, आप उन लोगों को जलाने के लिए आपके लाखों मिलियन के जो सब्सक्राइबर हैं आप उनको नाराज कर रहे हो, आप उनको गुमराह कर रहे हो। और मैं क्या कह रही हूँ ये आप लोगों को समझ आ ही रहा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आ रहा हो। तो राधाराज मैं आपसे यही कहूंगी कि आप उन तमाम बड़े बड़े यूट्यूबरों से अब दूरी बनाइए, क्योंकि और मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप कर ही लीजिए, आप समझदार हो, आपकी ब्लॉगिंग चैनल बहुत अच्छी थी, और दुख है मुझे इस बात का कि जिसने भी ये किया है बहुत बुरा किया। क्योंकि अधिकतर मैं देखती हूँ कि सोशल मीडिया पर लोग किसी को देखना नहीं चाहते, उनको लगता है कि ये हमसे आगे कैसे बढ़ रहा है, इसको नीचे हम कैसे गिराएं, और तमाम वो हथकंडे अपनाते हैं जिससे वो आपको नीचा गिरा सके, लोगों के दिलों में जो आपके लिए है वो नफरत पैदा कर सके, और जब वो नहीं कर पाते तो वो चैनल पर प्रहार करते हैं, और यही सब कुछ हुआ है आपके साथ। तो अब आप लोगों को मतलब समझना सीखिए, आप समझदार हैं, मैं ज़्यादा इस पर क्या बोलूँ। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो आपके चैनल को लेकर गोरखपुरिया को टारगेट कर रहे हैं, तो जब तक आपके तरफ से चीज़ें नहीं आती कि हाँ किसने क्या कुछ किया है भाई, तो मैं जो लोग गोरखपुरिया को बदनाम कर रहे हैं, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें तुच्छ चीज़ें करना बंद करिए, बिना जाने समझे किसी पे इल्ज़ाम लगाना। और इससे ये होता है कि हम लोग भी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या कुछ सचमुच में ऐसा हुआ है, गोरखपुरिया ने ऐसा किया नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई, और मैं भी अपने वीडियो के माध्यम से यही कहूंगी कि आप लोग जिस तरह से जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो राधाराज के वो पहले सपोर्ट करते थे, प्यार करते थे, वही प्यार और सपोर्ट राधाराज के इस चैनल पर भी दिखाइए, ताकि वो आगे बढ़ सके, और इस वक्त हम लोग पूरा उनको जो है वो सपोर्ट करें, और हमारे सपोर्ट की उनको अभी ज़रूरत है। हालाँकि उन्होंने एक ही वीडियो डाला है और वो काफ़ी उसमें व्यूज आया है, काफ़ी लोगों ने अपना प्यार उस वीडियो में दिया है। हम जानते हैं कि अभी भी उनको हमारी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम अगर उनको पसंद करते हैं, और जब हम किसी इंसान को पसंद करते हैं देखते हैं, और जब उनके साथ कोई दुख भरी घटना हो जाती है, तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम उनके सपोर्ट में आए, उनके साथ खड़े हों। क्योंकि देखिए सच्चा साथी वही होता है जो आपके दुख में आपके साथ खड़ा रहता है। सुख में तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, सुख में बहुत सारे लोग आकर आपको बधाइयाँ देंगे, अच्छी अच्छी मतलब आपके सुख में आकर मतलब खड़े रहेंगे और दुख में पीठ दिखाएंगे। तो वैसे लोगों से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, और खासकर मैं राधा जी के लिए वीडियो बना रही हूँ तो मैं उन्हीं को कह रही हूँ। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही, और मैं निष्पक्षता से अपनी बातों को रखती हूँ, तो इस वीडियो में भी मैं निष्पक्षता से अपनी बातों को रख रही हूँ। और दुख हुआ ये देख कर कि लोग जो है वो आपको नहीं झुका पाते, तो आपके चैनल को ही समाप्त करने की कोशिश करते हैं, आपके चैनल पर ही प्रहार करते हैं, क्योंकि आप पर उनका कुछ नहीं चल सकता। तो बस मैं अपने चैनल के माध्यम से यही कहूंगी कि आप लोग राधाराज को जिस तरह से पहले प्यार और सपोर्ट देते थे, आप अभी भी उसी तरह का प्यार और सपोर्ट दीजिए, और राधाराज के चैनल को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, उनकी वीडियो शेयर करिए, ताकि वो जिस मुकाम पर थी और उससे भी वो आगे बढ़ जाए, और जिन्होंने भी ये घटिया हरकत उनके चैनल के साथ की है उनको मुंह तोड़ जवाब मिले कि अरे मैंने तो वो चैनल डिलीट किया और राधाराज इससे भी आगे बढ़ गई। तो ये सब हम छोटे यूट्यूबर भी उनके साथ मिलकर कर सकते हैं, और उनको उससे भी ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं जहां उनका पुराना चैनल था, उससे भी वो आगे जाएं। हम सभी की दुआएं जो है उनको लगे, और सिर्फ दुआएं ही नहीं, हम लोगों को उनको सपोर्ट करने की भी ज़रूरत है। हालांकि वो जो है अपने पहचान के लिए हम लोग मतलब क्या बोलूँ इस्तेमाल नहीं करती, और इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा उनकी वीडियो शेयर करें, उनके चैनल को सपोर्ट करें, जो राधाराज ने नया चैनल बनाया है, और इस वीडियो में मैं उनके चैनल का लिंक भी डालूंगी, और सभी लोग जाकर चेकआउट करिएगा, और राधाराज के नए चैनल को आप लोग उसी तरह प्यार और सम्मान दीजिएगा जिस तरह से आप लोगों ने
पिछले दिनों दिया था और उस चैनल से भी आगे ये चैनल जाए। और कहते हैं ना कि जिन्होंने भी ये कुछ उनके साथ किया है उनको भाई ऊपर वाला देखेगा। ऊपर वाले के डंडे में कहते हैं ना कि आवाज़ नहीं होती पर चोट बहुत ज़ोरदार होती है। तो बस यही कहना चाह रही थी मैं। और राधा राज, हम सभी छोटे यूट्यूबर आपके साथ हैं, भले ही हम छोटे हैं।